चंडीगढ़ की राजनीति में जबरदस्त धमाका। पूर्व मेयर वो कांग्रेस के दिग्गज नेता सुभाष चावला कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा में हुए शामिल। चुनाव में आया, हमने राशन बांट दिया, कपड़े बांट दिए, नहीं, जो लगातार इनका जो सेव भाव है वो मुझे बहुत पसंद है। और तीसरी बात, जो अक्सर नेताओं में कुछ होता है कि शाम हमारी और तरह की होती है, दिन हमारा और तरह होता है, इनका जो शाम है वो जो धार्मिक प्रवृत्ति का है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो धार्मिक प्रवृत्ति का लोग होते हैं वो अपने रोजमर्रा के काम में 4 घंटे ज़्यादा जनता के लिए काम करते हैं। जो दूसरे लोग शाम को खाने पीने में, बैठने में, दोस्तों में, व्यक्तियों में खराब करते हैं, जो आदमी धर्म को मानने वाला है, और सबसे बड़ी बात, तो बहुत ज़्यादा इनके मन में कट्टरता भी नज़र नहीं लगे जिस धर्म को मानते हैं। बहुत बार इन्होंने जो जिनको ये मानते हैं वहाँ उनके फंक्शनों में जाने का मिला। तो ये मुझे लगा कि जो चंडीगढ़ की इच्छा थी कि एक अच्छा कैंडिडेट जो आए, जो पार्लियामेंट में भी जाके काम करे, वो सबसे ज़्यादा मैं हमेशा मानता हूँ। चंडीगढ़ से मेरी बातचीत होगी आगे आने वाले समय में। चंडीगढ़ में दूसरे प्रदेशों से स्थिति अलग है, वहाँ मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना आसान होता है, क्योंकि नीचे MLA होते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लड़ते हैं, उसके नीचे कॉरपोरेशन है, यहाँ नीचे पंच सरपंच होते हैं, तो चुनाव में वो काम करते हैं। यहाँ लोगों की इच्छा हमेशा रही है कि हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो पार्लियामेंट का भी काम करे, MLA का भी काम जिम्मेवारी संभाले, कॉरपोरेशन तो है ही है, पंची सरपंची तक के भी लोग जो काम है वो मेंबर पार्लियामेंट से उम्मीद करते हैं। तो जो उनकी चंडीगढ़ में यहाँ प्रेजेंस रही, जिस ढंग से रही, मुझे उम्मीद है। और मेरी जो मेरी इच्छा थी कि ऐसा नेता सामने आए, जब मुझे पता लगा कि संजय टंडन जी को टिकट मिली है, शायद सबसे पहले मेरी बधाई गई होगी कि संजय जी अब हमारी इच्छा पूरी हुई है, अब आगे बढ़ो, मौका मिलेगा तो हम आपका साथ देंगे। वो मौका आज मिल गया है। आने वाले समय में जब मैंने शुरुआत की थी, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से शुरू काम किया था, जो कांग्रेस की सबसे छोटी पोस्ट होती है, और उस वक्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लिए काम क्या होता था, चुनाव के समय में घर घर पर्चियाँ बांट रही, उस वक्त, आजकल तो डिजिटल हो गया, छोटे छोटे हैंड बिल लेके लोगों के घर जाना, या किसी बड़े लीडर की मीटिंग हुई तो उनके लिए दरिया और कुर्सियों का इंतजाम करना, ये मेरी जिम्मेवारी होती थी। तो आज भी मैं उसी कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ।